फिल्म स्टार बहू। राजस्थान में बर्फी गंज नाम का एक गांव था। गांव में जलेबी नाम की एक लड़की रहती थी। जलेबी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। उसके गांव में डिश नहीं थी, फिल्म देखने के लिए सीडी खरीदनी पड़ती थी। जलेबी के पास जब भी थोड़े बहुत रुपए इकट्ठे हो जाते तो वह धर्मपाल की दुकान से फिल्मों की सीडी खरीद लाती। धर्मपाल, मैंने पुरानी वाली दिलवाले तो कई बार देख ली है, अब मुझे नई वाली दिलवाले की सीडी लाकर दो। नई वाली दिलवाले तो अभी भी सिनेमा हॉल में लगी हुई है, तुम कहो तो आज रात चलकर देख लेते, टिकट का इंतजाम हो जाएगा। मम्मी सिनेमा हॉल जाने नहीं देती, वो कहती है कि सिर्फ बिगड़े हुए लोग सिनेमा देखने जाते हैं। तुम्हारी माँ पुराने जमाने की है, आज रात में पीपल वाली गली में मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। सपना और धीरज भी फिल्म देखने आएंगे, तुम भी जरूर आना, माँ को किसी तरह उल्लू बना देना। उस दिन जलेबी ने रात का खाना शाम को ही बनाकर रख दिया। उसकी माँ कपड़े धोकर घर लौटी। जलेबी, आज तुमने खाना बड़ी जल्दी बनाकर रख दिया। हाँ माँ, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी और कल से सुबह जल्दी उठा करूंगी, क्योंकि सुबह जल्दी सोकर उठना अच्छी बात होती है ना। माँ तुम भी जल्दी सो जाना। जलेबी ने 8 बजे ही अपना कमरा बंद कर दिया और सोने का नाटक करने लगी। माँ जब खाना खाकर खटिया पर लेट गई, तो वह तुरंत अपने कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। उसने रात भर अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखा और खूब मजे किए। सुबह अंधियारे ही जब वह खिड़की से कूदकर घर लौटी तो उसने देखा कि माँ उसके सामने खड़ी है। जलेबी के भाई ने माँ को सारी बात बता दी थी। क्यों रे, कहाँ मुँह काला करने गई थी, ज्यादा तेरी टांग घर से बाहर निकलने लगी है। किसी गांव वाले ने रात बिरात तुझे घूमते देख लिया तो मेरा तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। आज ही तेरी शादी की बात करूंगी, ऐसे घर में शादी करूंगी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जलेबी की माँ ने उसकी शादी पुरानी मानसिकता वाले एक गरीब घर में कर दी। जलेबी का पति कपड़े धोने का काम करता था, वह बहुत सख्त था। जलेबी को घर की चारदीवारी से बाहर भी नहीं झांकने देता था। एक दिन गांव में नौटंकी दिखाने वाली कंपनी आई। नौटंकी वालों की हीरोइन किसी कारण से नौटंकी छोड़कर चली गई थी, इसीलिए वे लोग गांव में ही किसी को ढूंढ रहे थे जो उनके साथ नौटंकी में काम कर सके। नौटंकी वाले गांव के घर घर जाकर हीरोइन ढूंढ रहे थे। जब वे जलेबी के घर पहुँचे तो उस समय जलेबी कपड़े धो रही थी, उसका पति कपड़े पहुंचाने बाहर गया हुआ था। हम नौटंकी में हिस्सा लेने के लिए एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, अगर आप हमारे साथ काम करेंगी तो हम आपको पैसे भी देंगे, क्या हमें कुछ बोलकर दिखा सकती हैं? ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, सपनों के देवता क्या तुझको करूं मैं अर्पण, पतझड़ की मैं हूँ छाया, आंसुओं का मैं हूँ दर्पण। बहुत खूब, अगर आप हमारे साथ काम करेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। तभी जलेबी का पति वहाँ आ गया। तुम लोग कौन हो और मेरे घर के आगे क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। इस लड़की के अंदर अभिनय की प्रतिभा है, हम इसे अपनी नौटंकी में शामिल करना चाहते हैं। वो मेरी पत्नी है, कोई नौटंकी वाली नहीं, अगर वो तुम्हारे साथ नौटंकी में काम करेगी तो गांव बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इज्जत ही नहीं, पैसों की सोच, अगर वो हमारे साथ काम करेगी तो हम उसे अच्छे पैसे देंगे, तुम्हारा जो भी जवाब हो कल तक बता देना। उस रात जलेबी ने अपने पति को बहुत प्यार से खाना खिलाया और उससे विनती की कि वह उसे नौटंकी में काम कर लेने दे ताकि घर का खर्चा आसानी से निकाला जा सके। घर में गरीबी तो थी ही, इसीलिए पैसों की खातिर जलेबी का पति मान गया। कुछ दिनों बाद गांव में नौटंकी हुई। जब जलेबी ने स्टेज पर अभिनय किया तो उसे लोगों की खूब तारीफ मिली। गांव के सरपंच के घर मुंबई से एक मेहमान आया हुआ था जो फिल्म बनाने का काम करता था। उसने नौटंकी देखी
तो जलेबी के अभिनय से बहुत प्रभावित हुआ। नौटंकी समाप्त होने के बाद वह जलेबी के पास गया और बोला, मेरा मुंबई में प्रोडक्शन हाउस है, क्या आप मेरी फिल्मों में काम करना पसंद करेंगी? आप सोचकर जरूर बताइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमें आपको मुंबई ले जाना पड़ेगा। जलेबी ने घर जाकर सारी बात अपने पति को बताई। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बार तुम मुंबई चली गई फिर तुम्हें गांव की कुछ भी ध्यान नहीं रहेगी, तुम मुझे भी भूल जाओगी। मैंने सुना है कि लोग मुंबई जाते ही बिगड़ जाते हैं। मैं वादा करती हूँ, मैं ना तो आपको भूलूंगी, ना गांव को और ना ही अपने मूल्यों को। मैं सिर्फ अपनी अभिनय की प्रतिभा को तराशना चाहती हूँ, उसी के लिए मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगले दिन जब जलेबी का पति उठा तो उसने देखा कि जलेबी घर से गायब है। वह समझ गया कि जलेबी मुंबई भाग गई है। जलेबी के पति ने चाकू उठाया और सीधे मुंबई की ओर गया। वह जलेबी को कई महीनों तक ढूंढता रहा, लेकिन जलेबी उसे नहीं मिली। कोई बात नहीं, दोबारा मुंबई आऊंगा, तब मिल गई तो उसे जान से मार दूंगा। उधर जलेबी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 18 महीनों के बाद जलेबी एक दिन खुद गांव पहुंची और उसने रुपयों से भरा बैग अपने पति के आगे रख दिया। आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करें, मैं हमेशा आपकी पत्नी ही रहूंगी। जलेबी के पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जलेबी को गले से लगा लेता है। जलेबी का पति जलेबी के साथ ही मुंबई चला जाता है। वह एक प्रोड्यूसर बन जाता है और जलेबी फिल्मों में काम करना जारी रखती है। एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। सोनिया की माँ बहुत गरीब थी। सोनिया की माँ घर घर से कपड़े लेकर आती, उन्हें धोकर प्रेस करके वापस पहुँचाती। सोनिया भी अपनी माँ की हेल्प करती और इस तरह उन दोनों का खर्चा चलता। सोनिया को गाना गाने का बहुत शौक था। वो काम करते हुए भी रेडियो पर गाने सुनते रहती और जब भी टाइम मिलता अपनी आवाज में गाना शुरू कर देती। एक दिन सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूँ या तुझे स्मार्टफोन दिलाऊं? मेरे पास स्मार्टफोन के लिए पैसे नहीं है। अगले दिन सोनिया अपनी फ्रेंड से एक सिलाई मशीन मांग लाती है और कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। थोड़े दिनों में सोनिया के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक स्मार्टफोन खरीद लेती है और टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगती है। एक दिन सोनिया की माँ जब घर पर आती है तो सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाने में व्यस्त होती है। तू गाना गाने में लगी है और कपड़ों पर प्रेस कौन करेगा? ये गाना वाना छोड़ दे, कल मैं तेरे लिए लड़का देख कर आऊंगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती है? गाना गाने वाली बनना चाहती है? तेरी उम्र निकल गई तो फिर तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। सोनिया की माँ सोनिया की शादी कर देती है। ससुराल जाकर सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ती। एक दिन सोनिया के ससुर अपने बेटे से कहते हैं, अरे तेरी बहू गाना गाती है, टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है। नई नई बहू को ऐसे काम करने चाहिए, तो उसे समझाता क्यों नहीं है? पिताजी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो अब तो पता लग गया। सोनिया का पति सोनिया से जाकर कहता है, पिताजी बता रहे थे कि तुम टिकटॉक पर गाना गाकर वीडियो बनाती हो। हाँ मैं बनाती हूँ, मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक है। अरे लेकिन आस पड़ोस वालों का तो सोचो, तुम अब हमारे परिवार की बहू हो। देखो जिस तरह तुम्हें खाना खाने पानी पीने की जरूरत होती है, उसी तरह मुझे गाना गाने की जरूरत है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, मैं संगीत को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। सोनिया के ससुर सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार जब रात में सोनिया सो रही होती है तो सोनिया के ससुर सोनिया का फोन उठाकर गांव की नदी में फेंक आते हैं। सुबह को जब सोनिया को फोन कहीं नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। हे भगवान, मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा, मैं टिकटॉक पर वीडियो कैसे बनाऊंगी? अरे रो क्यों रही हो, मेरे साथ खेत पर काम करने चलो, वैसे भी हमारा खेत जमींदार के पास गिरवी रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खेत को कैसे छुड़ाया जाए। मजबूरी में सोनिया को खेत पर काम करने जाना पड़ता है।
एक दिन टिकटॉक कंपनी की तरफ से सोनिया के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, टिकटॉक पर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। आपकी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हम आपको एक नया मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, कृपया वीडियोस बनाते रहें। अपने नए मोबाइल से सोनिया और भी वीडियोस बनाती है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वो टिकटॉक पर सबसे बड़ी स्टार बन जाती है। एक दिन एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, सोनिया आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है, मैं आपको 20 लाख का चेक देने जा रहा हूँ, आप हमारी कंपनी के लिए गाना रिकॉर्ड कीजिए। सोनिया वो पैसे अपने पति और ससुर को देते हुए कहती है, अब आप अपना खेत आसानी से जमींदार से छुड़ा सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं समझा।